जामताड़ा नारायणपुर प्रखंड के नोहथिया गांव के झक्सू गोस्वामी और धोदो टुड्डू को 6 महीनों से पेंशन नहीं मिलने से काट रहे हैं बैंक के चक्कर। कई महिलाएं, पुरुष, विकलांग, अपाहिज, विधवा हो या वृद्धा, प्रत्येक दिन बैंक का चक्कर काट रहे हैं। वो ये आस लगाकर आते हैं कि मेरा वृद्धा पेंशन हो या विधवा पेंशन आज मिल जाएगा, लेकिन बैंक आने के बाद जब वो लोग खाता चेक करवाते हैं तो बैंकों द्वारा उनको बोला जाता है कि आपका पेंशन नहीं आया है। वे लोग मायूस होकर घर के लिए निकल जाते हैं। ऐसा ही एक मामला झक्सू गोस्वामी, जो नोहथिया गांव का रहने वाला है। झक्सू गोस्वामी विकलांग है। उन्होंने बताया कि मेरा लड़का भी नहीं है, मैं बहुत गरीब हूँ। मुझे सरकार से पेंशन के रूप में 10,000 रुपये प्रतिमाह मिल रहा था, लेकिन 6 महीनों से मुझे पेंशन नहीं मिल रहा है, जिससे जीवन यापन करने में परेशानी हो रही है। ऐसे में बाजार, ब्लॉक, चौक, चौराहे और गांव-गांव में जाकर भीख मांग के अपना जीवन यापन कर रहे हैं। ये लोग सरकार से जल्द पेंशन देने की गुहार कर रहे हैं। ऐसे ही कई मामले बैंक में प्रतिदिन आते हैं इस आस में कि उनका पेंशन आज मिल जाएगा। गरीब आदमी है, हम लोग को बहुत तकलीफ है। बैंक आते हैं तो घूर कर जाते हैं, और हमें भी तकलीफ। कहाँ कहाँ आते हैं बैंक? पैसा का पेंशन, पैसा का लिए, पेंशन के लिए। कहाँ महीने का बाकी है? अच्छा, कहाँ घर हुआ? आप जी, तो वहाँ से कैसे आए हैं? पैदल आते हैं। क्या करें, पैसा रह जाता हूँ। हाँ, हम लोग आते हैं बाबू, डेली घूम के चले जाते हैं। बोलता पैसा नहीं आया है। गरीब आदमी, चलने फिरने नहीं सकते हैं, मालिक कैसे क्या करेंगे। हम लोग घूम करके चले जाते हैं बाबू, नहीं मिलता है पैसा, बोला पेंशन आया नहीं है। जामताड़ा से शशि जोशी की रिपोर्ट।